अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जनाब आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज बनाएंगे चॉक मिंट सैंडविच बिस्किट्स। इसके लिए मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री है और मिंट फ्लेवर होगा। इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, ये मैंने मैदा रखा हुआ है, तकरीबन ये हम लेंगे 1 कप मैदा, 125 ग्राम मैदा है। साथ ही कोको पाउडर रखा हुआ है, 2 टेबल स्पून ये कोको पाउडर है। शुगर ले ली है तकरीबन 1/4 कप, ये कैस्टर शुगर इसमें हम यूज़ करेंगे। साथ ही ये मैंने मिल्क रखा हुआ है, फ्रेश मिल्क है, ये 2 टेबल स्पून के करीब हम यूज़ करेंगे। और ये खाने का मीठा सोडा है, 1/2 टीस्पून हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इसके अलावा मैंने बटर रखा हुआ है, बटर हमें चाहिए होगा तकरीबन 75 ग्राम और रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए ये। अच्छा, इसके अलावा मैंने बेकिंग ट्रे जो है उसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है और ग्रीस नहीं किया है, इसमें हमने बेक करना है बिस्किट्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेल्टेड बटर मैंने ले लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे कैस्टर शुगर और इसको लाइट क्रीमी फॉर्म में हमने इतना बीट करना है, 4 से 5 मिनट तक हमने इसको अच्छे से बीट करना है और साथ साथ इसके साइड से भी अच्छे से इसको स्क्रैच डाउन करते जाना है ताकि अच्छे से बीट हो जाए। इसका टेक्स्चर देखें। अब हम इसमें ड्राई इन्ग्रीडियंट्स अपने ऐड करेंगे। मैदा हो गया, ये देखिए मैदा है और साथ ही कोको पाउडर जाएगा इसमें, साथ ही हम डालेंगे खाने का मीठा सोडा। अच्छा, सबको हम छान लेंगे। अच्छे से छानने से ये होगा कि लम्स नहीं बनेंगे और अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो ये हमने इसकी डो बना लेनी है, इसको चम्मच से मिक्स कर लेंगे। और जो फ्रेश मिल्क है वो हम ऐड करेंगे, हम 2 टेबल स्पून पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे चम्मच से, स्पून से या नाइफ से भी आप कर सकते हैं या हाथ से भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। 2 टेबल स्पून के करीब मैं फ्रेश मिल्क इसमें ऐड कर दूंगी ताकि अच्छे से स्मूथ सी एक डो बनानी है हमने वो बन जाए। पहले तो मैं इसे मिक्स करूँगी, फिर मैंने हाथ से मिक्स किया। हाथ अच्छे से धुले होने चाहिए, ग्लव्स पहन लें या हाथ से कर लें और एक डो सी बना लें। जब ये डो रेडी हो जाएगी तो मैं फिर इसको 5 मिनट का रेस्ट दूंगी। ये देखिए जी, डो बन गई है, बड़ी अच्छी स्मूथ सी हमारी। 5 मिनट रेस्ट करने के बाद इसको मैंने हाफ कर लिया और बटर पेपर लेके उस पर मैं ये अब इसको रोल कर रही हूँ, क्योंकि ये स्टिक हो जाएगा अगर हम बगैर बटर पेपर के ये 5 मिनट पेपर के करेंगे तो। अच्छा, इसके लिए जो मैंने शेप देनी है वो सर्कल देनी है और जो सर्कल कटर है वो है तकरीबन 4 सेंटीमीटर का, मैंने ये राउंड कटर ले लिया है, उससे मैंने ये बना ली है। बेकिंग ट्रे मैंने रेडी की हुई थी, उसमें मैंने पहले से कुछ बना के रखे हुए थे, ये इस तरह बना के हमने इसको बेक कर लिया। तकरीबन 10 से 15 मिनट बेक करेंगे हम और ये बेक होके आ गए हैं और उसको अब हम ठंडा कर लेंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। चलिए ये देखें जी, ये मैंने पेयर बना के रख लिए, जब बेक होके आ गए तो इसके पेयर मैंने बना लिए हैं सबके। अब हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे जो है 3 mm होनी चाहिए। और ये देखें इसकी थिकनेस, ये पेपरमेंट एसेंस हम यूज़ करेंगे इसको फ्लेवर देने के लिए फिलिंग को। चले जी हम रेडी करते हैं इसकी फिलिंग। ये मैंने बटर मेल्ट कर लिया है, ये हम पहले ले लेंगे और इसमें हम आइसिंग शुगर यूज़ करेंगे। अब पहले हमने कैस्टर शुगर यूज़ की थी डो के लिए, अब हम आइसिंग शुगर, आप घर में भी पीस सकते हैं इस चीनी को, ये हम यूज़ करेंगे इसमें। अच्छा, मैंने इस फिलिंग के लिए जो चीज़ें ली हैं और हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अच्छा, फिलिंग के लिए मैंने 30 ग्राम बटर ले लिया है और 1/3 कप आइसिंग शुगर हम इसमें यूज़ करेंगे और फ्यू ड्रॉप्स और पेपरमेंट एसेंस के। अच्छे से इन सब चीज़ों को बीट करना है, लाइट क्रीमी फॉर्म में ये आ जाए, इसका टेक्स्चर जो है बिल्कुल क्रीमी कलर में आ जाए। 3 से 4 मिनट इसको बीट करेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाए ताकि मिक्सर अच्छा सा बन जाए इसका। अब हम इसमें ऐड करेंगे पेपरमेंट एसेंस, इसको मिक्स कर लेंगे, स्क्रैच डाउन कर लेंगे ताकि जो है चीनी बाकी की भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और बीट हो जाए अच्छे से। बड़ी यमी सी ये इनर फिलिंग बन के रेडी होने वाली है। अच्छा, ये पेपरमेंट है, किसी भी अच्छी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। 1/4 मैंने ये ले लिया है, अगर आपको ज़्यादा चाहिए होगा तो थोड़ा बाद में भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए अभी फ़िलहाल मैंने इसमें 1/4 ऐड किया है। फिर इसको मैं टेस्ट करूँगी, अगर मुझे लगा कि इसमें और डालना चाहिए तो 1/2 टीस्पून से भी कम थोड़ा मैं इसमें और ऐड कर दूँगी। अच्छे से बीटर से ही मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब इसमें 1/2 टीस्पून से भी कम एसेंस इसमें और मज़ीद डालूँगी ताकि इसका फ्लेवर इन्हेंस हो। और स्पैचुला से ही मैंने इसको मिक्स कर लिया है।
ये देखिए बड़ी अच्छी सी ये फिलिंग बन के रेडी हो गई लाइट क्रीमी कलर में। और ये देखिए, और ये इतनी ही थिकनेस हमें चाहिए बस। ये अभी हमने जो बिस्किट रखे हैं मैं पेयर बना के मैंने इसके अंदर हम इसको फिल करेंगे, और आप वन बाय वन करके एक बिस्किट के अंदर हम इसको फिल करेंगे। ये देखिए आपको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, इस तरह से सारे मैं बिस्किट को इनर फिलिंग करके रख दूँगी, फिर हम इसकी टॉपिंग रेडी करेंगे। ये देखिए एक पेयर मैंने बना के आपको बता दिया। अच्छा अब हम इसकी टॉपिंग बनाएंगे। ये देखिए मैंने डार्क चॉकलेट ले ली है, तकरीबन मैंने डार्क चॉकलेट यूज़ की 150 ग्राम, और वाइट शॉर्टनिंग यूज़ की है इसके अंदर 25 ग्राम। डबल बॉयलर ले लिया है मैंने, और दोनों चीज़ों को मेल्ट करेंगे। पहले चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया अच्छे से, फिर हम इसके अंदर ये शॉर्टनिंग यूज़ करेंगे, ये भी इसके अंदर डाल देंगे, और अच्छे से इसको दोनों को मेल्ट कर लेंगे, और अच्छा सा एक मिक्सचर सा बन जाएगा चॉकलेट का। जब ये चॉकलेट मिक्सचर बन के रेडी हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ये देखें जी मेल्ट हो गई ये दोनों चीज़ें, तो छोटे बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है इस तरह से, और ये जो बिस्किट के पेयर मैंने बना के रखे हैं इसमें चॉकलेट में डिप करके निकालते जाएंगे। पहले से ही मैंने एक प्लेट में बटर पेपर रख के उस पर ये बना के रखे हैं मैंने, और इसको डिप करने के लिए मैंने फोर्क यूज़ किया है इन बिस्किट्स को इसके अंदर डिप करके निकालती गई। अब ये देखिए ये बनके रेडी हो गए हैं, बड़ी ज़बरदस्त से ये बिस्किट बनके रेडी हो गए। आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा इस रेसिपी को, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।